दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियों ने इतनी गंदगी उठा रखी है मार्केट में कि मतलब उनके क्या कहने। मतलब इन कंपनियों ने तो बिल्कुल कसम खा ली है कि अब ये लोगों को है ना कोई भी फायदा नहीं देंगी और लोगों को नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगी। दोस्तों, उसी कड़ी में एक नाम आता है एटोमी। दोस्तों, जो अभी कुछ टाइम से इंडिया में बहुत ही प्रचलित हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें उन कंपनियों की भी जो कि 27 या 28 साल से चल रही है, उन्होंने भी आज तक लोगों को ज़्यादा फायदे नहीं दिए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एटोमी के बारे में और बात करूंगा उनकी क्या क्या चीज़ें लोगों को दिक्कत दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। स्लोगन है इज एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप भी देखे होंगे कि इसकी जो प्राइस है कितनी महंगी है। इंडियन जो पीपल है उनको सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडियन पीपल को ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, ये बात देखिए जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जो ये विदेशी कंपनियाँ होती है ना, इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से है ही नहीं। वही ये बंदा भी कह रहा है कि एटोमी की जो प्रोडक्ट है ना वो इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि यार लोगों की जेब में है ना पैसे उतने नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट पर खर्च कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो यूरोपियन जो करेंसी है उनके मुकाबले मतलब ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा नहीं है और जो विदेशी कंपनियाँ होती हैं वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखती हैं, मतलब जो उनके वहाँ पे प्राइस है वही वो यहाँ पे रख रही हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से एटोमी जैसी कंपनियाँ बहुत पिछड़ रही हैं और जब तक ये इस प्राइस पे काम नहीं करेंगी जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लोगों की जेब के अनुसार होता है, मैक्सिमम लोगों की जेब के अनुसार, तब तक एटोमी इंडियन मार्केट में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगी। दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टू यूनिट्स ऑफ साउथ कोरिया गवर्नमेंट। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो दोस्तों, जो ये लोग कह रहे हैं कि मतलब साउथ कोरियन गवर्नमेंट का इस कंपनी में अहम रोल है, भाई क्या रोल है? मतलब गवर्नमेंट का तुम्हारी कंपनी में क्या अहम रोल है? गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं, ये बंदा क्लियर बता रहा है। तो दोस्तों, मतलब इन जैसी चीजों से भी है ना जो आपको लोग मतलब बेवकूफ बना रहे हैं, उन जैसी चीजों से दूर रहो, क्योंकि गवर्नमेंट का इस वाली कंपनी में एटोमी में कोई रोल नहीं है और ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। प्रोडक्ट है हेमोहिम। तो हेमोहिम जो है वो अभी तक आया नहीं और पिछले 4 साल से ये लोग प्रोपेगेंडा करा रहे हैं हेमोहिम हेमोहिम। अब ये जो इनका प्रोडक्ट है हेमोहिम, ये लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड में ये प्रोडक्ट रहता है एटोमी का, पिछले 4 सालों से भारत में तो आया नहीं है इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट। और भाई साहब, 9 से 10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है, कौन लेगा तुम्हारा 9 से 10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट? अगर तुम इंडियन मार्केट में 135 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को भी हेमोहिम दे के दिखा दो ना तो मान जाऊंगा। भाई साहब, इतने पैसे नहीं है हमारे यहाँ के लोगों पे कि 9 से 10 हज़ार रुपये तुम्हारे एक प्रोडक्ट के लिए देंगे, और जो कि 4 साल से अब तक इंडिया में आया ही नहीं है। मतलब इंडिया में आया नहीं और कह रहे हो हाईली सेलिंग प्रोडक्ट, भाई हम कैसे माने? बाहर बिक रहा होगा, मेरे देश में नहीं बिक रहा ना। मतलब एक प्रोडक्ट के नाम पे इतना बेवकूफ बना रहे हैं हमारे देश के लोगों को और मतलब ऐसे बिल्कुल बहका रहे हैं, मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। एटोमी की भले ही वर्ल्ड में रैंकिंग है लेकिन भाई साहब, इंडिया में चलाने के लिए ना इंडियन मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। और जो हेमोहिम अपना प्रोडक्ट बता रहे हो ना, कहाँ है, कहाँ घुसा हुआ है प्रोडक्ट? अब यहाँ पे देखो, टूथपेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है बहुत सारे बीमारियों के बारे में कि ये जैसे टूथपेस्ट ये होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। टूथपेस्ट जो है सिर्फ वो मुंह का साफ करता है और मुंह से जो रिलेटेड जो बीमारियां होती है तो उनको वो ठीक करने का काम टूथपेस्ट करता है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसीज जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता, ऐसे डिसीज को ये टूथपेस्ट करेगा, ऐसा भी लोग प्रोपेगेंडा करते। एक और सुनाओ ऐसा ही, मतलब तुम्हारे टूथपेस्ट से भी बीमारी सही हो रही है? अबे भाई, फिर डॉक्टर ही बन जाओ ना, क्लिनिक खोल लो। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट हैं अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के, तो फिर तुम ऐसा करो, डॉक्टर की दुकान खोल लो, क्लिनिक खोल लो, बेचना शुरू कर दो। बिना डिग्री के कुछ भी बोल लो, डॉक्टर की कोई डिग्री है नहीं तुम पे। और मतलब एक प्रोडक्ट में तुम्हें बता दिया गया कि भाई साहब इससे ये सही होता है, किसी ऊपर वाले ने बताया तुम्हें ये होता है, तुमने नीचे बताना शुरू कर दिया। इतने बड़े मतलब तुम लोग बेवकूफ हो ना, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग जो ये चीज करते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये सही हो जाता है। अब तुम डॉक्टर हो क्या? कोई अनुसंधान है तुम्हारा? कुछ नहीं है। जो तुम्हारे ये लोग रिसर्च भी कर रहे हैं ना, वो ये नहीं बता रहे कि तुम डॉक्टर बन के आ गए ये बोलो ये बीमारियाँ सही हो जाती हैं। 2 बंदों की बीमारियाँ तुम लोग सही करते नहीं, मार्केट में गा देते हो। भाई 135 करोड़ में से 2 की सही कर दी, क्या बड़ा काम कर दिया है? 135 करोड़ में से ज़्यादातर लोगों की सही करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीमार हैं।
ज्यादातर लोग ही सही करोगे तब बताना, 2, 3, 5, 10 की सही करके मत बताया करो। ज्यादा डॉक्टर वॉक्टर मत बना करो, डॉक्टर का जो चोला पहन के घूमते हो ना, किसी दिन खींच लेगा कोई चोला तुम्हारा। क्या ये डॉक्टर बने घूमते हो? डॉक्टर मत बनो, इतना नहीं पता है तुम्हें डॉक्टर के बारे में। टूथपेस्ट से तुम्हारी बीमारियां सही हो रही है, बट टूथपेस्ट ही करते रहो फिर पूरे दिन। इनका और एक झूठ है बहुत बड़ा झूठ, कि ये लोग मूर्ख बना रहे कि ये इस कंपनी को सिर्फ 14 महीने हुए। दोस्तों, इस कंपनी को चालू हुए 14 महीने नहीं बल्कि 4 साल हो गए। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, 2017 से ये कंपनी इंडिया में रजिस्ट्रेशन में चल रहा है। हाँ हाँ, कुछ लोग तो ऐसे जरूर बोलेंगे कि भाई इस कंपनी को शुरू हुए 14 महीने हुए, जबकि इस कंपनी को शुरू हुए 4-5 साल हो चुके हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दिखाने जा रहा है ना, वो सामने वाले को सोचता है इसको क्या पता है, बेवकूफ बना दो साले को। तो ये लोग इतनी मतलब घटिया नीच हरकतें तक करते हैं कि सामने वाले को कुछ भी बता रहे हैं। अभी देखो जो ये बंदा कह रहा है, भाई बिल्कुल बता रहे होंगे कि 14 महीने शुरू हुई है, इतने साल कंपनी को चालू हुए हो गए इंडिया में, लेकिन अब तक प्रोडक्ट नहीं इनके मिल रहे, हिमोहिम जैसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ऐसे क्या के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई साहब अभी 14 महीने ही हुए हैं, 4-5 सालों से तुम चल रहे हो। अबे जब तुम पे असलियत नहीं बताई जाती, क्यों मार्केट में जाते हो दूसरों को बताने? तुमसे कोई तुम्हारा आईडी नंबर मांग ले तो तुम बोलते हो अभी तो मैं 3 महीने से ही जुड़ा हूँ। अबे क्यों असलियत नहीं बताते कि 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लगा हूँ, घिस रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं बताते? और तुम में से जिन लोगों को ये दिक्कत है ना कि 5 साल लगाओ उससे पहले रिजल्ट नहीं आते, तो भाई साहब एक बात बताओ, 5 साल जितने लोगों ने लगाए कितने लोगों के रिजल्ट आए? चुनिंदा लोगों के नाम मत बताना। 5 साल में इतने करोड़ों लोग लगे हैं तुम्हारे यहाँ और रिजल्ट कितनों के आए? मुश्किल से 100 के भी नहीं आए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये है ना, दूसरों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो कि 5 साल लगाओ। 5 साल लगा के भी है ना कुछ नहीं हो रहा, 5 साल बल्कि और तुम लोगे बर्बाद कर देते हो। ये देखो, बालों का झड़ना या नया बाल उगाने के लिए तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा टॉप लीडर है, उनका बाल तो नहीं है तो पता नहीं उनका बाल क्यों नहीं आ रहा है। और एक कोई सर है कि मैं देखा था उनका वीडियो, तो उनके चेहरे अने उनके जो सर है उनका ऊपर बाल नहीं है, उनका भी बाल नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों का बाल नहीं आ रहा है जो एटोमी में अच्छे लेवल में है, बट ये लोग आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि हेयर टॉनिक यूज करने से और या उसके साथ और एक दो प्रोडक्ट यूज करने से बाल आते हैं, बट इनका टॉप लीडर का बाल अभी तक आया नहीं। ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई, मतलब जो इस बंदे ने बोला कि इनका बाल दोबारा उगाने का प्रोडक्ट है। तो भाई साहब मतलब मैंने खुद भी देखा यार ये वीडियो, ऐसा नहीं है मैं केवल इसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी वीडियो देखी एटोमी के लीडर्स की, मतलब उनमें कुछ लोग गंजे हैं। तो भाई साहब जो ये बाल उगाने वाला प्रोडक्ट है आपने यूज नहीं किया क्या? या आपको जरूरत नहीं है? हाँ आपको कहाँ जरूरत होगी, जनता को बेवकूफ बना के उसको देना है ना। आपको तो गंजे अच्छे लगते हो, आपको तो मतलब हो सकता है अपना गंजालू को अच्छा लगता हो। अरे भाई पहले खुद के प्रोडक्ट खुद यूज कर लो, खुद उसमें डिफरेंस दिखाओ कि तुम्हारे ऊपर अंतर क्या है, उसके बाद लोगों को बताओ। खुद तो गंजे हो तुम, दूसरों को बता रहे हो बाल उगाने के प्रोडक्ट। खोपड़ी गंजी है या दिमाग भी? मतलब यार कुछ भी तुम लोग मार्केट में क्या बोल लो, क्या कैसे मतलब तुम लोग इतना बेवकूफ कैसे बना लेते हो, मतलब कैसे बना लेते हो लोग? भाई साहब पहले खुद के बाल उगा लो, और सिर के ही बाल के लिए है ना प्रोडक्ट, तो मतलब पहले खुद के बाल उगा लो उसके बाद दूसरों को बताना, उसके बाद दूसरों को अच्छे से बेवकूफ बना पाओगे आप लोग। अब ये देखो जूता, क्योंकि अभी तक इंडिया में आया नहीं, इसका प्राइस रहेगा 7,000 के ऊपर, बहुत सस्ता है दोस्तों। कोई भी जो किसान है, गरीब आदमी है, ये 7,000 का जूता आसानी से ले सकता। अब ये देखो जूता 7,000 रुपए का है, अबे भाई जूता ही खिलाओगे क्या लोगों को? मतलब यार जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोगों के घर का जो राशन है ना 7,000 रुपए में एक बार या दो बार आ जाता है महीने का, तो यहाँ पे 7,000 रुपए का जूता दे रहे हैं। अब भाई रहने दो, क्यों इंडियन मार्केट को लूट रहे हो? और वैसे भी तुम 7,000 रुपए का जूता लेके जाओगे तो एक उसके लिए सेलेक्टेड ऑडियंस है, सेलेक्टेड लोग हैं, केवल वो ही खरीद पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं खरीद पाएंगे। 135 करोड़ में से 134.5 करोड़ तो आपका जूता खरीद ही नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। इतना महंगा मतलब जूता यार, 7,000 रुपए का जूता, मतलब क्या तुम क्या सोच के इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च कर रहे हो? भाई पागल वागल हो क्या, या बस आप लोगों का टारगेट यही है कि बस कुछ ही लोग पकड़ने हैं, सबको तो हमें देना ही नहीं? मतलब आपको तो हो सकता है आप लोगों का एम ही हो कि थोड़े बहुत लोग पकड़ लो, बस बाकी को छोड़ो। ये देखो एब्सोल्यूट स्किन केयर, ये भी बहुत सस्ता है, मैं कीमत बताता हूँ आपको, 17,000 रुपए प्राइस है इसकी। ओके, बहुत बहुत सस्ता है।
वाह भाई वाह, मतलब मेरी स्किन को सही रखने के लिए मुझे 17,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक 30,000 रुपए की सैलरी पर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं उसमें से 17,000 रुपए तुम्हें दे दूँ, यानी कि 60% रुपये मैं तुम्हें दे दूँ, बाकी 40% में मैं अपने सारे एक्सपेंस चलाऊँ। मतलब या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। 17,000 रुपए में स्किन केयर, भाई अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी भी 17,000 रुपए महीने कौन खर्च कर रहा है, कौन कर रहा है? अरे कुछ मतलब बेवकूफ हो गया तुम लोग, मतलब क्या क्या प्रूफ करना चाह रहे हो मार्केट में? तुम लोगों ने यार हद ही कर दी है, मतलब इंडियन मार्केट को लूटने के हिसाब से आ रहे हो क्या? या बस तुम लोगों का टारगेट ये है कि बस एक बार प्रोडक्ट दे दो, दूसरी बार भले ही वो ना ले। और यही हो रहा है मैक्सिमम जगह नेटवर्क मार्केटिंग में, आप लोग एक दो बार प्रोडक्ट चिपका देते हो, तीसरी चौथी बार खरीदता नहीं है वो, क्योंकि सेल्फ परचेजिंग नहीं हो रही उसकी, वो खुद परचेजिंग नहीं करना चाह रहा, आप लोगों के दबाव में करता है एक दो बार भी। अब देखो ये एटोमी अजामाल इज गोइंग टू लॉन्च मोर देन 1 लाख प्रोडक्ट्स टिल 2022। अब देखो कितना झूठ, बट वो सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी इथिकल है। तो भाई इथिकल अगर कंपनी है तो क्या ये जो प्रमोशन हो रहा है ये पता नहीं है क्या कंपनी को? है, बट कंपनी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती और नहीं भी करना चाहती है, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि गलत तरीके से प्रमोशन हो। कंपनी बोलती है एक साइड में कि हम गलत प्रमोशन का सपोर्ट नहीं करते। अगर आप गलत प्रमोशन का सपोर्ट नहीं करते, आपकी बात ठीक है, तो आपके सामने ये जो हो रहा है तो ये क्या पता नहीं है क्या आपको? ओके, यहाँ पे लिखा साफ है कि मोर देन 1 लाख प्रोडक्ट जो है ये 2022 तक आ जाएंगे, 22 के एंड तक। तो आप सोचिए अजाम माल जो कि अभी तक कोरिया में पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। अब इनका जो एटोमी का एजाम मॉल है उसका ये लोग बता रहे हैं कि भाई साहब दिसंबर 2022 में 1 लाख प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ले आएंगे। कोई नहीं, तुम भी यहीं और हम भी यहीं, और 2022 तो खैर 31 दिसंबर तक है, तो 31 दिसंबर 2022 को इस बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक भी है ना तुम लोगों से ये हो नहीं पाएगा। ये मॉल कोरिया में अब तक पूरी तरीके से लॉन्च हुआ नहीं है, केवल वहाँ पे 10 से 20 हज़ार प्रोडक्ट हैं। तो भाई साहब इंडियन मार्केट में तुम ऐसा क्या कर दोगे, क्योंकि विदेशी मार्केट में तुम बहुत सालों से चल रहे हो, इंडियन मार्केट में तुम ऐसा क्या कर दोगे जो कि इस साल के आखिर तक 1 लाख प्रोडक्ट रख दोगे, जबकि यहाँ भी अभी तक इस मॉल की अच्छे से शुरुआत नहीं हुई है, अभी कुछ अता पता नहीं है आपके इस मॉल का। तो भाई साहब देखो, मैं इस मॉल के बारे में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज का भविष्य भूतकाल को देख के ही पता लगाया जाता है, और इस मॉल का जो भूतकाल है वो यही है कि अभी तक एटोमी में भी 10 से 20 हज़ार प्रोडक्ट, जो कि इतना बड़ा देश है साउथ कोरिया, वहाँ पे जो ये मॉल चल रहा है वहाँ पे भी अभी केवल 10 से 20 हज़ार प्रोडक्ट ही आए हैं, 1 लाख तो वहाँ पे नहीं कर पाए, हमारे यहाँ पे कैसे ले आएंगे? तो दोस्तों बताने के लिए तो बहुत से पॉइंट हैं, बस मुझे लगता है कि आपको इन पॉइंट्स पर अगर आपने काम कर लिया इस कंपनी ने, तो ये दोस्तों कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है। अदरवाइज इंडियन मार्केट में जैसे और कंपनियां पिट रही हैं, क्योंकि वो लोग बस थोड़े लोग पकड़ लेते हैं, उन्हीं को चूसते रहते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा ही करना है तो एटोमी का ही वेलकम है, और अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है तो दोस्तों इन पॉइंट्स पर तो काम करना ही होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हर पर्सन के पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो वहाँ पे ऑल का एक सिंबल आएगा, तो आप ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हर पर्सन को इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।